जबलपुर में शारदा चौक गढ़ा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला सरस्वती चौबे की उसके पूर्व किरायेदार रामकृष्ण लोधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो महिला मृत हालत में पड़ी रही। घटना की खबर मिलते ही सीएसपी अखिलेश गौर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में सीएसपी अखिलेश गौर ने बताया कि पीली बिल्डिंग शारदा चौक के समीप रहने वाली महिला सरस्वती चौबे के घर में रामकृष्ण लोधी नामक युवक किराए से रहता था, जो शहर में ही गार्ड की नौकरी करता रहा। रामकृष्ण का किसी बात को लेकर सरस्वती चौबे से विवाद हो गया, जिसके चलते सरस्वती चौबे ने अपना मकान खाली करा लिया। इसी बात को लेकर रामकृष्ण रंजिश रखता रहा। कल रात सरस्वती चौबे अपने घर में रही, तभी रामकृष्ण चौबे पहुंच गया, जिसने महिला के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। महिला द्वारा विरोध करने पर रामकृष्ण ने गोली मार दी, जिससे सरस्वती चौबे की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए, देखा तो महिला सरस्वती चौबे खून से लथपथ मृत हालत में पड़ी रही। देखते ही देखते क्षेत्रीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पूछताछ के बाद हमलावर रामकृष्ण लोधी की सरगर्मी में तलाश शुरू कर दी है। नहीं ठीक है ना? भाई साहब, ये कोई घटना हुई है अभी शारदा चौक में, क्या मामला पूरा? ये अभी थाना गढ़ा अंतर्गत पीली बिल्डिंग के पास में शारदा चौक में एक महिला है, जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में है, सरस्वती चौबे। उनको एक पूर्व किराएदार के द्वारा यहाँ पे ऐसा बताया गया कि गोली मार के वो चला गया है। किराएदार की जानकारी प्राप्त हो गई, जिसके पीछे हमारी टीम लगी, जिसको भी थोड़ी देर में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे हमारी टीम के द्वारा। मृतिका के गले में और छाती के बीच में गोली मारी गई है, उनके बीच में क्या वाद विवाद है ये भी पता लगाया जा रहा है। जो आरोपी है वो पहले इनके घर में किराए से रहता था, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी को लेकर इनके बीच में वाद विवाद पूर्व से चल रहा है, और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि होली के टाइम पे भी कुछ विवाद हुआ था, संभवतः ये उसी के परिणाम स्वरूप होने वाली घटना प्रतीत हो रही है। इसमें और विस्तृत जांच की जा रही है, हमारी FSL की टीम यहाँ भी आ रही है, और बॉडी को भी मेडिकल शिफ्ट कराया जा रहा है। जैसे भी आगे की मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और अभी आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी का कितने लोग? जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया, एक ही व्यक्ति आरोपी जो पहले आया था, ये घर में इनके बीच में बैठ के बातचीत हुई है, उसके बाद फिर ये जाते समय घटनाक्रम हुआ। महिला का नाम है सरस्वती चौबे। क्या करती है ये अभी जानकारी इकट्ठित की जा रही है, उनके परिवार अभी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, तो विस्तृत स्टेटमेंट नहीं हो पा रहा।